अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप YouTube का चैनल देख रहे हैं रहमान ऑफिशियल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अच्छा, फाइनली गाइस कल लैके आए हैं, तुहानू पता सी, टैला लैके आए हैं ट्राली लोड करके। तो अज मिस्त्री साहब ने नहीं होना, अज मिस्त्री साहब छुट्टी ते ने, उन्होंने कोई फोतगी वगैरह हो गई है, इस वजह तो मिस्त्री साहब नहीं आए। जवान सुबह सुबह पट्ठे लैके जा रहे हैं। और अज मौसम भी बड़ा ख़राब है, बदल वगैरह होए ने, लेकिन एक तरफ ठंडा भी है क्योंकि हवा भी नाल चल रही है बड़ी मज़े दी। अगर माशाल्लाह अज आ जाते मिस्त्री साहब, तो उन्होंने आके आ जी दीवार रही सी ना पिछली, ये उन्होंने वार ला के, तो फिर माशाल्लाह उन्होंने टीयर गार्डर जेड़े आते ने वो उन्होंने अज पा देने सी। ते बाकी माशाल्लाह अगू उन्हों का फ्रंट का बरांडे का काम रह जाना सी, वाशरूम तो दरवाजे का गेट का काम, लेकिन अज वो नहीं आ सके, उन्होंने भी मजबूरी से छुट्टी उन्होंने की है। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। फाइनली गाइज उदन जी इन्होंने मिट्टी दो दफ़ा पाई है, लेकिन हजे तक मिट्टी पूरी नहीं हुई, तो अज फिर छुट्टी सी, इस वजह तो मिस्त्री साहब नहीं आए, लेकिन ये आ गए ने आ के ते अपनी भर्ती पूरी कर रहे ने। ते एक होर तो चीज़ दस रहा जिद मिस्त्री मसाला, मतलब कि जिन्होंने तेगा कहते हैं, सीमेंट बजरी भरते ने, आ दो खड़वी आइटियां ला के ये भरते हैं मसाला, फिर वो जगह की सारी मजबूती हो जाती है, मतलब लेंटर जहाँ बीम बनया जाता, फिर उत्ते जिन्ना मर्जी वजन आवे टेंशन नहीं होंगी, मतलब कि ना बारियां तो वजन पेगा ना गेट तो वजन पेगा। अजय इन्होंने इतने मिट्टी पूरी करनी है, ये तो बाद फिर इस कमरे च मिट्टी पूरी करनी है, इतने बरांडे तो इटा पईया ने, नहीं तो इन्होंने इतने भी मिट्टी पूरी करनी सी। अज इन्हों तकरीबन तीसरा दिन ने डेली आके मिट्टी पाते हैं, लेकिन हजे तक इन्हों को पूरी नहीं हुई। फाइनली जी असी पहले घर बनाया सी ना, वो बारियां लवाइया सी सेंटर दे, लेकिन आ जड़िया हूँ बारियां लवाइया ने, लवाइया ने बारले पासे, आज थोड़ी थोड़ी हजे बारली साइड ते भी किनारी, क्योंकि इंच इंच अद्धा अद्धा इंच सीमेंट भी होना, इस वजह तो फिर आप बारी बिल्कुल कवर हो जाएगी, तो बिल्कुल बार साफ नज़र आएगी, यदि ज़्यादा जगह बची अंदरली जगह पर, क्योंकि बारली जगह पर फुल बार काट के लगाई है जाली, इस वजह तो कि बंदा बाहर चीज़ा ना रख सके, क्योंकि बाहर चीज़ा घर च रखी अच्छी नहीं लगदियाँ, इस वजह तो अंदरली साइड पर जगह बनाई, अंदरली साइड पर रख सकता बंदा। अजय तो बाद अंदरली साइड पर आ जी जगह पई है, इतने अजय शीशा लगेगा साइड पर, जिमें आ चंगाठ नहीं बनी दूसरे आ चंगाठ, एवें दी चंगाठ बन के इतने तोड़ अंदर चंगाठ लगेगी, चंगाठ लगने के बाद फिर शीशा लगेगा। पहली गाइज मैं रोज़ाना वीडियो बनाना, मेरे वाल वेख के भी मेरी सैल्फी स्टिक लैके जवान अपनी वीडियो बनाने लगा। अज मिस्त्री साहब के आने की वजह तो असं घर पानी पाता से, लेकिन वो अज आए नहीं, इस वजह तो चलो ये भी बेहतर हो गया कि पानी पा दिता है। हैं, मैं ना थोड़ी जी पमैश लैन लगा कंध तो कमरिया तो, मिस्त्री साहब नहीं आए, उन्होंने फीता लैके आया पमैश वाला, तो थोड़ी जी पमैश करनी सी, मैं क्या अंदाज़ा लाइए कि क्योंकि कमरिया के नाल तो बनना वाशरूम, वाशरूम बन के अगे गेट दे उन्हें पिलर, फिर इधरों हिसाब लगावगा कि कितने तक जाता है, तकरीबन 8 फुट लंबाई होनी वाशरूम की, 1.5-1.5 फुट के पिलर होने ने दूसरे गेट के, 8 ते 3 9 10 11 तो 10 फुट का गेट है, समझ लो 21 फुट पमैश बनती है, इधरों कमरिया तो 21 फुट पमैश करके तो फिर वेखने इतने कितने तक दीवार होंगी, फीता लैके जा रहा है, इस बाद पमैश वेखने कितने तक जाती है। हाँ जी, इधरली नुक्कर तो रखो, उड़ली साइड से उड़ा करो, इतने इतने तकरीबन 28 1 मिनट, थोड़ा जहा खिंच के रखो ना इनू, इतने आ गई पमैश 19 फुट, 19 फुट तो बाद 19 फुट तो बाद अजे भी नहीं आया, भी नहीं आया, भी आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, 21 फुट समझ लो 22 फुट कर लें, इतने हो गई 22 फुट पमैश मुकम्मल, इधरों दीवार आ गई समझ लो अपनी विंडो तो भी साइड पर आती है, वो दीवार तो दीवार बिल्कुल साफ, भाई पतीसे वाला आया बंदे जाके हम पतीसा खाने लग पे ने, मैश करके मिस्त्री का जरा फीता से रख देने बिच, फीता रख के मजदूर पानी मंगन डे ने, उन्होंने पानी का कूलर भर के देने, कोई चीज़ नहीं खाली, ये पानी पा के बर्फ पा के देने, फिर सारा दिन पीते रहेंगे, पानी ना पा के देना पेगा, अयो पानी का कूलर लैंदा मैं, इटा जोड़ के हम रख देने, उत्ते सारा दिन पीते रहेंगे।
तकरीबन टाइम हो गया 9 का। माल नूं हुण पानी डालिए एक बारी। माल सारा छड़ दिता, हुण जाएगा माल पानी शानी पिएगा, झट नहावेगा, मज़े करेगा, फिर बाद च इन्हां नूं छावें बन देवांगे। फिलहाल पानी शानी पी लैन। फाइनली गाइस एक होर भाई मझां लै के आ रहा सी, उहदियां मझां नठ गईआं ने दूर। पूरे 10-15 मीटर माल नहाता नहा के, तो हुण फिर मैं जा रहा वापस जिते वो मिट्टी सुट रहे ने। तो सामने मिट्टी सुट्टन डे ने, जाके वेखने आ कि किन्नी कु सुट्टी है किन्नी कु नहीं। क्योंकि आ जिहड़े मजदूर हुंदे ने इन्हां ने बस पौली पौली मिट्टी सुट के ते इन्हां ने चले जाना, क्योंकि ताड़ के मिट्टी सुट्टणगे फिर बाद चो होर उत्ते पानी वजेगा, दुरमिट फेगा, फिर जिहड़ी मिट्टी बहनी हुई बह जाएगी। एवें तो इन्हां ने पौली पौली सुट के जो दुरमट वजा फिर तकरीबन चप्पा चप्पा डेढ़ डेढ़ मिट्टी थले बह जानी है। उहदा फायदा नहीं मिट्टी पाई दा। तो जाके चैक करना फिर इन्हां नूं दस रहा मैं किन्नी कु होर मिट्टी विच पानी है किन्नी कु नहीं। पहुँचाया जगह ते जिथे इन्हां ने मिट्टी पानी से इस कमरे च नहीं पाई, इन्हां ने इत्थे तक अपने लैंटर तक मिट्टी पानी से। उधरले रूम च चैक करने हैं अजे आवार खाली पिया, इत्थे नहीं उन्होंने पाई क्योंकि इत्थे ईटा पईआं ने, इच मिट्टी सुट के गए ने। आ चैक किया उही काम होया ना, पौली पौली सुट के नीह दे बराबर करके चले गए ने। चैक करो मिट्टी बहिंदी है हजे दुरमट वजह तो इन्नी नहीं होर बह जानी है, मतलब कि हजे उन्होंने पूरी मिट्टी नहीं पाई, पौली पौली सुट के पूरा नाम ही किया कि मिट्टी पै गई है। हजे आप सारा खाली पिया इतने तक पाएंगे मिट्टी, फिर इन कुट के दुरमट फेर के फिर बाद चू इहदा लेवल पूरा करना मिट्टी का। बरांडे च 2-4 रेहड़ियां सुट के गए ने, ये भी थोड़ी है मिट्टी, ज़्यादा पैनी है मिट्टी। पहली गाय इन्हों को पूछा ये कहते हैं हजे असी साई कढ़ने, साई कढ़ के होर विच मिट्टी पाने, अगर कल मिस्त्री आया तो उन्हें क्या घाटा वाधा मिट्टी पानी पई फिर असी होर पा देंगे बिच, हजे वह कहें असी बराबर की है जगह। हाँ जी गाय जिमें कि तुम्हें कल पता ट्रैक्टर का एक व्हील वाज दे रहा है, तो उन्होंने हूँ चैक करने खोल के वेद सेल एल है या नहीं है। ये ट्यूब का नैट लगा खोल के इतों चैक होएगा कि ये चैल है कि नहीं, क्योंकि एल की वजह तो आवाज़ दे रहा है, यदि कोई वजह हो सकती है। तो इन्हों नैट खोलने चैक करने की मसला है, इनू क्यों आवाज़ दे रहा है, किड़ा सी किड़ा सी इधर मोड़ के खोल क्लच वाली साइड वाला ये नैट लगा होना बैक साइड से। पहली गल मैं ट्यूब का नैट खोलिया तो बिचों हवा निकल रही है हल्की हल्की जी, बिच एल है बाहर आने को कर रहा, खोलिया तो एल बाहर निकल आ गया, इस वजह तो फुल नहीं खोलता। चलो खोल लें फिर हल्का जहा, एल है सही बिच, पता नहीं क्यों आवाज़ दे रहा, फिर एल नहीं है बिल्कुल, नैट खोल लिया, अगर एल हुंदा तो आवाज़ ना देता, एल घट इस वजह तो आवाज़ दे रहा बिच, एल घट। वेलकम टू बैक गाइस, जिहड़ा मसला सी ट्यूब वाला तुहानू मैं दस्या, वो मकैनिक नूं कॉल कीती सी, उहदे कोलों पुछिया, वो कहिंदा इहदा नैट चैक खोल के चैक करो, मैं खोल के चैक कीता सी तुहाडे सामने, तो उहदे विच एल कट सी, वो एल लिया के पाऊंगे, कहिंदा सी कोई ज़्यादा एडा खास मसला नहीं, तुसीं चलाओ फिर मैं आवांगा सुबह नूं या कल नूं आ के तुहानू चैक करके दसांगा। थोड़ी देर तकरीबन टाइम हो गया 4:30 दा, थोड़ी देर पहला माल नूं गतावा करके टिया फ्री होया, हूँ माल दे पट्ठे कुतरने ने, लेकिन पट्टा गया टुट, हूँ उहदे वास्ते कोई देसी जुगाड़ लाने आ पट्ठे कुतरने आ। माल गतावा खा रहा मारो मार, कोलू दी खल दा गतावा, वो वड्डियां मझां छोटे कटियां कट्टे वछी, पट्टा ते गया टुट, हाथ नाल पट्ठे कुतरने बड़े मुश्किल ने, हूँ कोई देसी जुगाड़ लाने आ कोई रस्सी वगैरह दा, ये पुली हुंदी जिहड़ी इहदी इत्थे चाड़ के बाद चों इधर पीटर दे इस पुली ते चढ़ना, इस तो हूँ कोई देसी जुगाड़ करने रस्सी वगैरह दा, पट्ठे ते कुतरने ने। अजे शहर चक्कर नहीं लगा, कल नूं जां परसों नूं शहर चक्कर लगेगा, फिर इहदे वास्ते बैल्ट लै के आवांगे। फिलहाल तो इहदा कोई देसी जुगाड़ करके पट्ठे इदा कुतरने आ, फिर बाद चों हुण मैं रस्सी लै के आउणा, रस्सी मैं लैण दी है, हुण जुगाड़ करके वेखना, जे ते गया लग फिर ते माशाल्लाह इहदा कम्म चल जाएगा,
नहीं तो फिर मजबूरी है, हाथ ना कुतरने पैन गए, हथी अगे ही लगी है। फाइनली गाइज मैं ला लिया देसी जुगाड़, रस्सी बन के आओ तो रस्सी दोरी सी दोरी करके इनू इतने गंढ दी है, क्योंकि अगली रस्सी जी उत्ते दोरी वधी है वो खुले ना। हूँ आप रद्दा ला के इन चेक करा गे कि कुतरे जाते ने नहीं। मेरा जुगाड़ बिल्कुल बड़ा जबरदस्त लगा, एक बार गया चल, हूँ थोड़े जे पट्ठे ला के चेक करने पट्ठे भी कुतरदा कि नहीं, बस खाली घूम गया। एक बार चलते पिया हूँ वेखो पट्ठे भी कुतरदा नहीं, पट्ठे भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त कुतर रहा, कोई लोड नहीं मांग रहा कोई कोई चीज नहीं। करो गाइस चंगा भला रद्दा लगा लेकर कोई पीटर नु परवाह नहीं। फाइनली गाइस पट्ठे कुतरे गए ने, कैसा लगा मेरा देसी जुगाड़ आज दा? हाँ जी फाइनली गाइस मैं सारे काम मुका के बिल्कुल फ्री हो गया, बाहर निकलिया वैसे मौसम चेक करने वास्ते। माशाल्लाह मौसम बड़ा खूबसूरत है, हल्के हल्के बदल वगैरह हुए ने, ठंडी हवा चल रही है। तो जिन्हें मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो का करते हैं इधर एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय।